जय गणेश जय गणेश जय गणेश। आपको गाना वो नहीं गाएंगे। एक मिनट एक मिनट यार, गाना तो लेकिन साथ में गाना। जय गणेश माता जाकी पार्वती देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, पार्वती पिता महादेवा। तालियां बजती रहे। निर्धन को माया, भाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। आपके खूब हो, जब तक चित्र बना तब तक कुछ नहीं, जैसे ही पलटा ताली बजना चालू। अच्छा लेकिन एक बात समझना, आप सबको आता है ना, एक बार ये लाइन मेरे साथ गाइए। अंधन को आ को काया, अंधन को बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप एक बात सुनो मुझे, आपने गीत को कई बार गाया, गाया कि नहीं गाया? आपने कभी ध्यान से गाया ये गीत अच्छा है कि नहीं है और सच्चा है कि नहीं है? बिल्कुल सच्चा है। आपने अभी तक देखा कि एक अंधा गणेश जी के मंदिर में गया और वापस निकला दोनों आंखें आ गई? सुना, एक लंगड़ा मंदिर में घुसा और वापस निकला तो पूरी असली टांग के साथ आया? आज तक सुना कि एक महिला को बच्चा होता ही था, डॉक्टर के पास नहीं गई, खाली मंदिर में गई, बच्चा भी हो गया? क्योंकि आपने गीत गाया अंधे को आंख दे कोड़िन को काया, लेकिन आज तक ऐसा कभी देखने में आया नहीं आया। और आप तो कहेंगे जय गणेश महाराज, लेकिन आपके बच्चों को जिन स्कूलों में पढ़ने के लिए आप भेजते हैं, उन स्कूलों में क्या पढ़ाया था गणेश जी? नहीं, द एलिफेंट गॉड, बाप कहता हनुमान जी महाराज की जय, स्कूल में पढ़ाते हैं आपके बच्चों को जिन स्कूल में? क्योंकि अपने बच्चों को शिशु मंदिर भेजते हो, अपने बच्चों को हिंदू स्कूल भेजोगे, गुरुकुल भेजोगे? नहीं, इंग्लिश मीडियम। मां पढ़ाया द एलिफेंट गॉड। आपका बच्चा आपसे पूछे द एलिफेंट गॉड गणेश ऐसे क्यों है, मुझे ईमानदारी से बताओ ऐसे गणेश जी कितने लोगों को अच्छे लगते हैं? सबको? बहुत बढ़िया। एक बार बताओ, गणेश जी का बड़ा पेट अच्छा है, बड़े कान अच्छे हैं, सूंड अच्छी है? अगर आपके घर पे बच्चा पैदा हो उसके इतने बड़े बड़े कान हो जाए, पूजा करोगे? भगवान को धन्यवाद दोगे? डॉक्टर के पास ले जाओ सब, तुरंत ऑपरेशन करो? और किसी का अगर इतना बड़ा पेट हो जाए बताओ, तो बाबा रामदेव शरण में नहीं जाएगा? भगवान का समझना, गणेश का मैंने चित्र बताया, गणेश का मतलब क्या है। जिन ऋषि मुनि ने गणेश बना कर दिया वो ऋषि मुनि बेवकूफ नहीं थे, उनको पता था सूर्य की गति कितनी है, उनको पता था चंद्र की गति कितनी है। दुनिया में हमारे ऋषि मुनि ने कहा था 9 ग्रह हैं, 10वां ग्रह बन गया बड़ा। जिनने इतना सब कुछ बताया वो अगर चाहते तो बिल्कुल सलमान खान की तरह, ऋतिक रोशन की तरह 6 पैक वाले गणेश जी बना सकते थे,
लेकिन क्यों ऐसे गणेश जी बनाए उन्होंने, क्यों लंबी सूंड के गणेश जी बनाए? आप मतलब समझना दोस्तों, गणेश का मतलब क्या है? गणेश का मतलब होता है जब किसी काम को शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, किसी काम का श्री महादेव करते हैं क्या? चलो इस काम का श्री विष्णु जी कर देते, ऐसा करते हैं क्या? किसी काम का श्री गणेश करते हैं। वो गणेश क्यों करते हैं? गणेश प्रथम पूज्य है। गणेश का मतलब क्या है? गणेश में दो शब्द है, गण ईश, गणपति, गण का पति, गण नायक, गण का नायक। गण क्या होता है? भारत एक गणतंत्र है, जनता का तंत्र कहलाता गण, और गण का नायक, जनता का नेता कैसा होना चाहिए? तो गणपति ऐसा होना चाहिए। आप कहेंगे नेता ऐसा कैसा होना चाहिए? तो नेता ऐसा होना चाहिए, नेता के कान बड़े होना चाहिए, गणेश के बड़े कान है, ये सिंबल है। हमारा नेता ऐसा हो, दिल्ली की बात भी सुने, हापुड़ की बात भी सुने, किसी गरीब गांव की बात भी सुने, छोटे गांव की बात सुने, केरल की बात सुने, पूरे देश की बात सुन सके, छोटे से बड़े तक की, ऐसा हमारा नेता होना चाहिए। जनता का नेता प्रथम पूज्य होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। जनता का नेता सबसे पहले पूजा जाता है। राष्ट्रपति का बाप भी बाद में पूजा जाएगा, पहले तो राष्ट्रपति की, ये पद है, पद का सिंबल है। नेता ऐसा होना चाहिए जिसके कान बड़े हों, फिर लंबी नाक। नाक क्या करती है? जासूसी। घर के अंदर क्या बना? तुअर की दाल बनी, लहसुन का बघार दिया कि हींग का बघार दिया, कैसे मालूम पड़ता है? नाक से। हमारे नेता की जासूसी होना चाहिए, ऐसी होना चाहिए कि देश के किस कोने में बम बन रहे हैं, देश के किस कोने में लोग परेशान हो रहे हैं, कहाँ पानी साफ नहीं मिल रहा है, कहाँ गंदा पानी मिल रहा है, कहाँ बलात्कार हो रहे हैं, ये सारी जानकारियां नाक से सूंघने वाला। हमारी जासूसी इतनी अच्छी होना चाहिए नेता की, हमारा जो भी प्रधान हो उसकी जासूसी इतनी अच्छी होना चाहिए। बड़ी नाक का मतलब है, बड़े पेट का मतलब क्या है? जिसके पेट में बात नहीं पचती, जिसके पेट में, बोले बड़े पेट का आदमी है, और जिसके पेट में बात नहीं पचती लोग बोलते कच्चे पेट का है, क्या बोलते हैं? नेता ऐसा होना चाहिए, बड़ा पेट हो। हमारा बजट बाद में बनता, पहले छप जाता अखबार में, पहले मालूम पड़ जाता जिंदल को, खरीद ले बेटा लोहा दबा ले, क्यों भाव बढ़ने वाला है? ये बड़ा पेट नहीं दोस्तों, छोटा पेट है। भारत के कागजात बाद में बनते हैं, बाहर के विदेशी कंपनी को मालूम पड़ जाता है ये चीज महंगी होने वाली है, सस्ती होने वाली है। नेता का पेट मजबूत होना चाहिए, ये हमारे दोस्तों अंतर है। फिर नेता कैसा होना चाहिए? नेता के एक हाथ में अंकुश है, क्या है? और एक हाथ में कमल है, और गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। चूहा ऊपर रहता है क्या? चूहा कपड़े काट देता है, चूहा खाना खा जाता है, चूहा बर्बादी करता है, और रहता कहाँ है? अंदर घुस के रहता है। ये देश को बर्बाद करने वाले तत्व अंदर घुस के रहते हैं, ऐसे बर्बाद करने वाले असामाजिक तत्वों पर भी नियंत्रण कर सके, ऐसा हमारा नेता होना चाहिए। अरे गणेश के अर्थ अब ढूंढने जाओ, गणेश के एक हाथ में कमल का फूल है, कमल का फूल पानी में रहता है लेकिन भीगता। हमारा नेता एसी में रहे, लाल बत्ती में रहे, कार में रहे, सायरन वाली गाड़ी में रहे, लेकिन जमीन से भी जुड़ा रहे, आसमान में उड़े पर जमीन से भी जुड़े। हमारा नेता ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं एसी कमरे के बाहर नहीं निकल पाए, हमारा नेता ऐसा हो। फिर गणेश के हाथ में अंकुश है। नेता को जूते मार के बस में कर सकते क्या? आजकल तो फैशन चल गई, जूता उठा के फेंक दो। अरे इतना बड़ा हाथी होता है, हाथी को डंडे मार के बस में कर सकते हो क्या? तलवार से बस में कर सकते हो क्या? गोली मार के बस में कर सकते हो क्या? नहीं, हाथी को बस में करने का इतना सा अंकुश होता है, उससे बस में कर सकते हैं। ये जो हमारे नेता हैं, सरकारी तंत्र है, इसको बस में करने का कोई बड़ा माध्यम नहीं है। किसी को डंडे मत मारना, जूते मत देना, जरा सा अंकुश। मुझे वो बताओ जो वोटिंग मशीन का बटन कितना बड़ा होता है? कितना बड़ा? कितना बड़ा? अच्छा साल भर उस बटन को दबाते रहो, फायदा होगा क्या? इतना सा बड़ा अंकुश हाथी के पैर में लगाओ, फायदा होगा क्या? पीठ पे लगाओ, फायदा होगा क्या? सही जगह पे अंकुश लगे, एक जब मौका आए, पांच साल तक गाली देते रहे सरकारों को, और जब वोट डालने का मौका आए तो गायब भी हो जाए, तो फायदा होगा क्या? जोरदार ताली बजाओ। गणेश के हाथ के अंकुश का मतलब है, ये जो जन बैठा है, जनता बैठी है, इसके हाथ में अंकुश है। अब मेरे को चित्र भी बनाना, भाई साहब बोले के बाद में डालचंद जी बोले बाबा जी क्या किया, मैं चित्र भी बनाऊंगा। आपको जल्दी तो नहीं है भोजन में कोई? अगर मान लो नहीं, जितनी देर मुझे कार्यक्रम बताया, अगर आधा घंटा कार्यक्रम ज्यादा चल जाए कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बाद में रोटियां तो निपटा के जाओगे ना? वो तो रोटी तो ऐसे निपटाओगे, दो दो रोटी ज्यादा बाद में कम नहीं पड़ता है। अच्छा पंडित जी, नहीं पंडित जी, हर बार भंडारे में जाते हैं, बोले साहब भोजन बच गया, मैंने लोग बेकार थे, लोग बड़े आलसी थे। अच्छा अगर हष्टपुष्ट लोग भोजन करे तो भंडारे में खाना बचेगा क्या? नहीं बच सकता ना। तो आप तो जम के मेहनत कर लो, एक गीत गाइए, मैं चित्र बनाऊ गणेश जी का, रन कर देता हूँ। एक गीत मेरे साथ में जरा मस्ती में गाइएगा। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन, ताली बजाओ यार। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, तेरी छवि अति सुंदर
तेरी पूजा सबसे पहले शिव पार्वती के बालक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणना